सोनीपत के गांव रिढ़ाऊ से एक धमाके की घटना सामने आई है। रिहायशी इलाके में हुए इस धमाके की इस घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 लोग बुरी तरह गंभीर हैं। जानकारी है कि गांव के जिस घर में ये धमाका हुआ वहां पर एक फैक्ट्री चलाई जा रही थी जो कि अवैध रूप से चल रही थी। धमाके के तुरंत बाद दमकल विभाग की टीम को सूचना दी गई, साथ ही पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। दमकल विभाग के साथ मिलकर पुलिस ने शवों को घर से बाहर निकाला, जिसके बाद पुलिस और एफएसएल की टीम घटना की जांच में जुट गई है। हमारे को सूचना मिली थी गांव रिढ़ाऊ में एक घर में ब्लास्ट हुआ है, जिस पे हम मौके पे आए तो यहाँ हमें पता चला है कि कुछ जो गंध जो पटाखों में यूज होता है वो यहाँ मिला है। एफएसएल की टीम बुलाई गई है, उसमें कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 3 डेड बॉडी हमने निकाल ली है जो पूरी तरह झुलस चुकी थी। 7 इंजर्ड है, 3 को हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया है और जो घर का मालिक फैक्ट्री का जो मालिक है उसको हमने राउंड अप कर लिया है और पूछताछ जारी है। बता दें कि इस घटना में मकान मालिक की बेटी समेत कई लोग हताहत हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अब जांच के बाद ही ये पता लग पाएगा कि ये धमाका आखिर कैसे हुआ और यहाँ पर क्या किया जा रहा था। सूर्या समाचार के लिए सोनीपत से सन्नी मलिक की रिपोर्ट। सोनीपत के गांव रिढ़ाऊ से एक धमाके की घटना सामने आई है। रिहायशी इलाके में हुए इस धमाके की इस घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 लोग बुरी तरह गंभीर हैं। जानकारी है कि गांव के जिस घर में ये धमाका हुआ वहां पर एक फैक्ट्री चलाई जा रही थी जो कि अवैध रूप से चल रही थी। धमाके के तुरंत बाद दमकल विभाग की टीम को सूचना दी गई, साथ ही पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। दमकल विभाग के साथ मिलकर पुलिस ने शवों को घर से बाहर निकाला, जिसके बाद पुलिस और एफएसएल की टीम घटना की जांच में जुट गई है। हमारे को सूचना मिली थी गांव रिढ़ाऊ में एक घर में ब्लास्ट हुआ है, जिस पे हम मौके पे आए तो यहाँ हमें पता चला है कि कुछ जो गंध जो पटाखों में यूज होता है वो यहाँ मिला है। एफएसएल की टीम बुलाई गई है, उसमें कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 3 डेड बॉडी हमने निकाल ली है जो पूरी तरह झुलस चुकी थी। 7 इंजर्ड है, 3 को हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया है और जो घर का मालिक फैक्ट्री का जो मालिक है तो उसको हमने राउंड अप कर लिया है और पूछताछ जारी है। बता दें कि इस घटना में मकान मालिक की बेटी समेत कई लोग हताहत हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अब जांच के बाद ही ये पता लग पाएगा कि ये धमाका आखिर कैसे हुआ और यहाँ पर क्या किया जा रहा था। सूर्या समाचार के लिए सोनीपत से सन्नी मलिक की रिपोर्ट।